brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मानना है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जिताते आ रहे हैं, एक परिवर्तन होना चाहिए, जनता के अंदर परिवर्तन की इच्छा है और हम लोग आरएस के आदेश पे आज जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे, लोगों को अपना पक्ष बताएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? जो मुद्दे जिनसे लोग डरे हैं, जो लोग नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, जीएसटी से, इनकम टैक्स से, केवल टैक्सों का देश हो गया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस कैंडिडेट हमारे साथ में है संजय शर्मा जी, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति, यहाँ चुनाव आ गए हैं, क्या स्थितियाँ इस संसदीय क्षेत्र में बनेंगी? रुझान लोगों का, स्थिति लोगों का मानना है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जिताते आ रहे हैं, एक परिवर्तन होना चाहिए, जनता के अंदर परिवर्तन की इच्छा है और हम लोग कांग्रेस के आदेश पे आज जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे, लोगों को अपना पक्ष बताएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? जो मुद्दे जिनसे लोग डरे हैं, जो लोग नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, जीएसटी से, इनकम टैक्स से, केवल टैक्सों का देश हो गया है, क्योंकि वह टैक्स चाहिए, एजेंसी घूम रही है, इसके पास पैसा, उसके पैसे छुड़ाओ। एक बात है कि पिछले जो चुनाव यदि परिणाम की बात करें तो 5.5 लाख से अधिक वोटों से बीजेपी कैंडिडेट जीती, तो कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस? उस समय लोगों को भरोसा था कि ये अच्छा काम करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज खरीदेंगे, इनने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को लगा रोजगार मिलेंगे, इन्होंने कहा था कि हम हर घर घर जाके एक ही आदमी किसान के लिए सम्मान राशि देंगे, गांव में जाके उद्योग खुलवाएंगे, छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, बड़े उद्योग लगाएंगे, कोई पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, हर व्यापारी खुश रहेगा, जीएसटी लगाएंगे, लोगों को लगा कि 2-3% 5% का टैक्स लगेगा, हम सब सुखी हो जाएंगे। लोग ये जान रहे थे कि जीएसटी के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये नहीं मालूम था कि जीएसटी के बाद जीना दुश्वार हो जाएगा, आइसक्रीम खाएंगे तो टैक्स लगेगा, साथ लेंगे तो टैक्स लगेगा, रोटी खाएंगे तो टैक्स लगेगा, कहने को किसान से टैक्स नहीं लेंगे, आपके रेस्टोरेंट का बिल देखना वो नहीं पूछ रहे किसान हो, जबकि जीएसटी दुकानदार पे लगना चाहिए, इस देश में सब पर लग रहा है, दुकानदार पे छोड़ के किसानों से ले लेते टैक्स, बिल देते, 3 दिन बाद प्रिंट उठ जाता है उसका। एक बार और है कि ईवीएम पर कांग्रेस सवाल उठाती है, कहीं ना कहीं कैंडिडेटों को भी भय रहता है कि कहीं ईवीएम, जनता को भय है, जनता कहती है हमने वोट दिए कैंडिडेट को नहीं मिली, सारे दल के लोगों ने बात रखी थी कि ब्रेड पेपर से चुनाव होना चाहिए, इनको मान लेना था, अगर आप नहीं मान रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके कोई गड़बड़ी तो है भाई, आप कुछ जी कहें, सारे दल के लोग कह रहे हैं देश के, वो जिन देशों में ईवीएम बनाई वो देश ईवीएम चुनाव नहीं करा रहे, मानना चाहिए मेरे ख्याल में। दूसरा 400 पार की बात हो रही है और मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतने की बात हो रही है, खुद 550 के हैं और बढ़ जाएगा 2 सीट और कई बार, ऐसा होता नहीं है, लोकतंत्र है, जनता की वोट में ताकत है, जनता जो चाहेगी वो होगी, वो 450 गिनती है नहीं कहीं, अगर इतना भारी होता तो अपन घर बैठ के चुनाव कराते, इस बार कोई प्रचार नहीं करेगा। इनको ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में नहीं जाएगी, उनके काम जाएंगे, वे नाम घोषित करते और प्रचार नहीं करते, अगर इनके अच्छे काम होते। लगातार एक बात आ रही है कि कांग्रेस छोड़ रहे हैं लोग, बीजेपी में जा रहे हैं, लोग खुद की इच्छा है, क्यों छोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो उनसे पूछे छोड़ के जा रहे हैं। ये थे संजय शर्मा जी, जो पूर्व में विधायक रहे हैं और इस समय नर्मदापुरम से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, नरसिंहपुर से अनुज ममार, एमपी तक।